नमस्कार, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सरोज सिंह। रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रीय एकाडिटेशन फोरम द्वारा गत दिवस जायगढ़ जिला जेल का निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान जेल प्रबंधन द्वारा नियमानुसार सभी गतिविधियां सुचारू ढंग से संपन्न पाया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला जेल रायगढ़ को ISO प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र दिया गया। राष्ट्रीय एकाडिटेशन फोरम द्वारा गत दिवस रायगढ़ जिला जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल प्रबंधन द्वारा नियमानुसार सभी गतिविधियां सुचारू ढंग से संपन्न पाया। जिला जेल में जेल मैनेजमेंट के नियम का पालन भी भली भांति कराया जा रहा है, साथ ही जेल में स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई एवं भोजन व्यवस्था में अव्वल पाया गया है। जेल में बंदियों की शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था, मनोरंजन के साधनों, खेल कूद, साफ सफाई, बंदियों के लिए पेयजल, भोजन की उच्च गुणवत्ता, कौशल विकास प्रशिक्षण से लाभ ले रहे बंदियों को स्वरोजगार से जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान सहित अन्य जेल में संचालित गतिविधियों की व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट पाया गया। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जिला जेल रायगढ़ को ISO प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र दिया गया। यह रायगढ़ जिले के लिए गौरव की बात है। विदित हो कि जिला जेल रायगढ़ में जेल अधीक्षक श्री SK मिश्रा के पदस्थ होने के साथ जेल में बदलाव देखने को मिला है। प्रत्येक माह जेल में बंदियों हेतु लोक अदालत का आयोजन, स्वास्थ्य शिविरों का जेल में आयोजन, गरीब, निर्धन, अशक्त बंदी जो जुर्माने की राशि अदा न कर पाने के कारण जेल में अर्थदंड की सजा काट रहे थे, उन सभी बंदियों को स्वयं सेवी संस्था की मदद या सहयोग से राशि जमा कर जेल से रिहा करवाना, बंदियों की मुलाकात व्यवस्था को सुदृढ़ करना ताकि प्रत्येक बंदी अपने परिजनों से निसंकोच अपनी बात रख सके, जिसका लाभ जेल में बंद सभी बंदी ले रहे हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय एडिटेशन फोरम के सदस्यगण आए थे, उन्होंने जेल का भ्रमण किया था। यहाँ पे सफाई व्यवस्था में है, भोजन व्यवस्था में है, आपके साफ सफाई की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, और भी व्यवस्थाएं जो देखी हैं उन्होंने, और उनके माध्यम से यहाँ से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, और उसके बाद उन्होंने एक ईमेल के माध्यम से प्रमाण पत्र भेजा है, हमारे जेल मुख्यालय द्वारा भी भेजा गया है। सर, कुछ खास पहल आपके द्वारा की जाती है समाज सेवी संस्थाओं को बोल करके, कुछ जो बंदी जो बहुत कम पैसों के लिए जेल में बंद रहते हैं उनकी रिलीफ कराई जाती है, उस प्रकार के प्रयास आपके द्वारा किया जाता है? मेरा मानना है कि जेल में वही बंदी आते हैं जो अशिक्षित होते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ इग्नू की कक्षाएं चालू हैं, और कक्षा पहली से लेके हायर सेकेंडरी तक, हाई स्कूल तक, हायर एजुकेशन तक यहाँ व्यवस्था है। ऐसे भी बंदी हैं जिनको 500 रुपये, 100 रुपये के जुर्माना की राशि नहीं जमा कर पाते हैं, तो रायगढ़ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करके ऐसे बंदियों को रिलीफ किया जाता है, रिहा कराया जाता है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।